इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जब किसी बात का जिक्र कम होता है तो समझो कि उस बात की अहमियत भी घटती जा रही है। कोरोना का जिक्र कम हुआ है तो लोग भी बेखौफ घूमने फिरने लगे हैं। पिछले कई महीनों से लॉकडाउन के सख्त मराहिल से गुजर कर अब कहीं आवाम बाहर निकलकर रोजी रोटी कमाने के लिए निकल रही है। हुकूमतें बहुत सारी योजनाएं स्कीमों का ऐलान तो करती है पर गरीब आवाम तक नहीं पहुंच पाती। मीडिया के जरिए कभी आंकड़े छुपाए जाते हैं तो कभी झूठ फैलाया जाता है। बेलगाम शहर में कोरोना मरीजों की तादाद कम जरूर हुई है, मौतों के आंकड़े भी घटे हुए हैं, फिर भी आज तकरीबन 150 लोग पॉजिटिव पाए गए तो 300 के करीब डिस्चार्ज भी हुए। बेलगाम शहर में वैसे भी गरीबों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। कभी सड़क पर सब्जी फ्रूट बेचने वाले को हटाने की मुहिम कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाती है तो कभी कॉरपोरेशन किराया न भरने की वजह बताकर मार्केट को ही सील कर देता है, जहां पर छोटी मोटी तिजारत गरीब लोग करते रहते हैं। अब कोई बड़ा सियासी लीडर आने वाला है तो सड़क पर बैठकर दो चार रुपये कमाने वालों को ही निशाना बनाया जाता है। ऐसा लगता है कि गरीबी गोया एक अछूत बीमारी है। हमारा यह कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च करने से पहले किसी तरह पिछले लॉकडाउन की वजह से जो कारोबार बंद हुए हैं इसे किसी तरह से शुरू किया जाए, या फिर गरीबी बेरोजगारी का जो आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इस पर गौर फिक्र किया जाए। छोटे मोटे चोर उचक्कों को तो पुलिस की जानिब से पकड़ लिया जाता है और जरूरी है इन्हें भी सलाखों के पीछे डालकर समाज की बुराइयों को दूर करना, पर अक्सर यह देखा जाता है कि जो इसके करता धरता रहते हैं वो हमेशा बच जाते हैं। छोटी मछलियों को पकड़कर ही कहीं बड़े सुरमाओं को आजाद तो नहीं छोड़ा जाता, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। अभी अभी लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। लोग सुबह सुबह मजदूरी पर जाते हैं, पूरा हफ्ता काम करने के बाद इन्हें 1000 या 500 रुपए हासिल होते हैं। पर क्या यह दुरुस्त होगा कि मास्क न पहनने को लेकर या हेलमेट न पहनने को लेकर 1000-2000 का जुर्माना पुलिस वालों की जानिब से लेना दुरुस्त है? हमारा यह कहना कतई नहीं है कि ट्रैफिक के कानूनों को तोड़ना, उसका उल्लंघन करना सही है, जरूर जुर्माना लगना चाहिए, पर क्या हजारों से जुर्माना वसूल करना दुरुस्त होगा? ऐसे भी वाक्य पेश आ रहे हैं जिनकी जेब में पैसे न होने की वजह से किसी और से जुर्माना अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए किसी सड़क के किनारे छिप कर खड़े पुलिस वाले नजर नहीं आते और सुबह सुबह जब मुलाजमत या मजदूरी के लिए जाने वालों को पुलिस पकड़ लेती है। हमारा सिर्फ मुतालबा यह है कि जुर्माने की रकम कम कर दी जाए और कुछ मोहलत और दे, ताकि पहले इंसान की रोजी रोटी तो ठीक से चले। अगर एकाध दो महीने के बाद अगर सख्ती के साथ ट्रैफिक उछलों पर अमल करने की सख्ती की जाए तो यह बेहतर होगा। अगर घर से जल्दबाजी में हेलमेट या मास्क न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाएंगे तो गरीब कहां से भरेगा? बड़ी मुश्किल से सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर किसी तरह पेट्रोल का जुगाड़ कर अपनी मुलाजमत या काम को जाता है, जिसकी पूरी तनख्वाही कुछ हजार होती है। गरीब आवाम पर रहम करे और कुछ वाजिब जुर्माना वसूल करे। मैं तो कहता हूं कि और 6 महीने तक आवाम को चैन से जीने दे, थोड़ी छूट दी जाए ताकि अपने कारोबार अपनी नौकरी पर इत्मीनान से जा सके। हर गली सड़क के मोड़ पर खड़े पुलिस वालों से आवाम खौफ ज़दा है। अब तो उद्यमबाग की कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, कारखाने बंद हैं, नौकरी की तलाश में भी घर से निकलना गोया लोगों के अंदर एक डर खौफ छिपा होता है कि कहीं सड़क के किनारे खड़े पुलिस वाले पकड़ ना ले। क्या पता कि किस बात पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। अगर आपने मास्क हेलमेट पहना भी है तो कुछ ना कुछ निकाल दिया जाता है। लिहाजा आवाम की जानिब से गुजारिश है कि बड़े अमीर करोड़पति जो इस देश को चूना लगाकर लूट कर यहाँ से भाग जाते हैं, उन अमीरों के बंगलों तक पहुँचने में कहीं तो वर्दी भी कम पड़ जाती है, कानून छोटा हो जाता है, करोड़ों के गफले कर फरार हो जाते हैं या इन्हें सियासी तहफ्फुज हासिल होता है। सफ़ेद लिबास पहनकर काली करतूतों के जरिए काला धन रखने वालों पर कार्रवाई की जाए, इन गरीबों को बख्श दिया जाए जो दो वक्त की रोटी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। ट्रैफिक के कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई हो, पर हजारों के जुर्माने के बजाय कुछ वाजिब जुर्माना लगाया जाए, और इससे भी पहले अमीरों पर कार्रवाई हो जिनकी तिजोरियों में गरीबों का हक पड़ा हुआ है। अभी हासिल इत्तला के मुताबिक 1000 रुपए जुर्माने को घटाकर 250 रुपए किया गया। पूरी रियासत में बेहिसाब जुर्माने को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया था। हुकूमतों से नाराजगी
हर रियासत में देखी जा रही है। लिहाजा वजीर आला येडियुरप्पा ने अवाम में बढ़ती नाराजगी को देखकर 1000 की जगह 250 रुपए जुर्माना हासिल करने का हुक्म दिया। फिर भी हम यही कहेंगे कि गरीब अवाम से नए नए कानूनों के तहत जुर्माना वसूल करने से पहले उन करोड़पति अमीरों पर कार्रवाई हो जिन पर कार्रवाई करने से अक्सर लोग डरा करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।